दिल्ली से गोरखपुर जा रहे प्रवासी मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार हुआ। दूसरे ट्रक से टकराया, 23 मजदूरों की दर्दनाक मौत। हाईवे पर आज सुबह हुआ हादसा, 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर मरीजों को कानपुर और सैफे भेजा गया। महाराष्ट्र में 29,500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1576 नए मामले, अब तक 1068 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में अब तक 17,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे के भीतर मुंबई में करीब 1,000 नए केस। मुंबई में 650 मौतें। दूसरे नंबर पर पहुंचा तमिलनाडु, अब तक 9674 लोगों में संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 447 लोग बीमार हुए, अब तक 66 लोगों की मौत। राजस्थान में करीब 4800 लोगों में कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 213 नए मामले, अब तक 125 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से अब तक 2600 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में गई 100 लोगों की जान। 82,000 के करीब पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में करीब 4,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मिल सकती है बड़ी छूट, केजरीवाल सरकार ने केंद्र के पास भेजा मेट्रो और बस सेवा बहाल करने का सुझाव। लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाए बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंस रहे। धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर पृथ्वीराज चौहान के बयान से बवाल, बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार, कांग्रेस को बताया आक्रमणकारी। मंदिर तो सब कर ही रहे हैं, जरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद आग बबूला, कहा हिंदू धर्म स्थलों पर ही क्यों टिकाई है नजर। पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र को दिया है सुझाव, संकट के वक्त धार्मिक ट्रस्टों के सोने के इस्तेमाल की मांग। विवाद बढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान ने दी सफाई, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। मोदी सरकार की ओर से आई राहत की तीसरी किस्त, कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को मिलेंगे 1,00,000 करोड़। लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए सरकार खर्च करेगी 10,000 करोड़, बिहार के मखाना और आंध्र प्रदेश की मिर्च दुनिया तक पहुंचाने का प्लान। हर्बल पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान, गंगा के किनारे कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा। वित्त मंत्री ने मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया, कहा नई नावें मिलेंगी, सभी पशुओं के टीकाकरण का भी प्लान। मोदी सरकार ने किया था कुल 2,00,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान, इकोनॉमी में जान फूंकना है मकसद। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर एक्शन प्लान की दिखेगी झलक, आज तक के ई एजेंडा में आज दिग्गज मंत्री बताएंगे बारीकियां। अलग अलग सेशन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी शिरकत। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बताएंगे क्या होगा आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी बताएंगे आत्मनिर्भर भारत के गुण। भारत को वेंटिलेटर डोनेट करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट। अमेरिकी राष्ट्रपति को साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाने की है उम्मीद, जल्दी वैक्सीन की कामयाबी के लिए खास ऑपरेशन शुरू। म्यांमार ने भारत को सौंपे 22 आतंकवादी, आसाम और मणिपुर के आतंकी संगठनों से है ताल्लुक। आगरा जेल में कोरोना की दहशत, एक कैदी की मौत, 10 और कैदी निकले पॉजिटिव। पटना में कार से कुचलकर बच्ची की मौत के बाद हंगामा, लोगों ने किया पथराव, पुलिसकर्मी की राइफल भी छीनी। भरतपुर में देखी प्रवासी मजदूरों की तकलीफ की एक और दर्दनाक तस्वीर, विकलांग महिला छड़ी के सहारे सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के लिए मजबूर। भरतपुर में ही विकलांग बेटे को पीठ पर लाद कर गांव को चला एक मजदूर, कहीं से नहीं मिली कोई मदद। लखनऊ से साइकिल पर चल पड़ा एक मजदूर का परिवार, सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ जाने में है कई मुश्किलें, लेकिन कोई चारा नहीं। पैदल दिल्ली से जा रहे हैं मजदूर, गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं नजर आया। मुंबई से बिहार आ रहे मजदूरों से ट्रक वाले ले रहे हैं हजारों की रकम, भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर बिहार लाए। विकासनगर में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने कराया पति का कत्ल, 12 घंटे में खुला राज, महिला समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। बोकारो की फैक्ट्री में हादसा, ट्रांसफार्मर के पैनल में करंट आने से 2 मजदूर झुलसे। सूरत में गांव जाने की जिद पर अड़ी पत्नी का किया गया कत्ल, लॉकडाउन के चलते परेशान था बिहार का मजदूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में दी अजान की इजाजत, गाजीपुर के डीएम के आदेश को किया रद्द। औरंगाबाद में ट्रक से 90,00,000 का गुटखा बरामद, आवश्यक सेवा का स्टिकर लगाकर ट्रक में लाया जा रहा था गुटखा।
विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गैस के असर से लोग सड़क पर गिरते हुए नजर आए। बनासकांठा में हाईवे पर चलता हुआ ट्रक पलटा, दो लोग बुरी तरह से घायल, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। सुल्तानपुर में जमीन के झगड़े में चली गोलियां, दर्जन भर लोग घायल हुए, तीन की हालत नाजुक। टनकपुर में कार हादसे में तीन की मौत हुई, खाई में जा गिरी तेज रफ्तार कार, फरीदाबाद से पिथौरागढ़ जा रहा था परिवार। कोरोना में कारोबार की नई संभावना तलाश रहे हैं जूलर, कोल्हापुर में चांदी के मास्क को बाजार में उतारा। रूस के शिक्षा मंत्री, कोरोना की पुष्टि हुई, अब तक करीब 2.5 लाख लोगों में संक्रमण, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर। महामारी के बीच स्पेन में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का है आरोप। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद जापान के ज्यादातर शहरों से हटाई गई इमरजेंसी, 47 में से 39 जिलों में राहत का ऐलान। लेबनान में 4 दिनों के लिए फिर से लागू किया गया लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। ब्राजील में अमेजोन के जंगलों तक वायरस की एंट्री हुई, आदिवासियों के एक गुट के मुखिया की मौत।